वेलकम टू डियर स्टडी पॉइंट टॉपिक टेस्ट के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बेहतरीन 10 सवालों को सॉल्व करने का है बेहतरीन तरीका हो गया, ठीक है। तो हमारा बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो हमारा पहला सवाल कुछ इस तरीके से है कि पहला सवाल क्या बोल रहा है कि इफ़ अ प्रोडक्ट सोल्ड एट ₹1200, ठीक है, कि जब प्रोडक्ट जो है 1200 के डिस्काउंट में बेचा जाता है एट 1200 डिस्काउंट, देन इट गिव्स 20% प्रॉफिट, ठीक है। तब वो क्या देता है 20% प्रॉफिट देता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्केट प्राइस पे जब डिस्काउंट होता है तो वो क्या निकलता है हमारा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे जब प्रॉफिट परसेंटेज होता है तो वो क्या निकलता है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होते हैं वो दोनों कंडीशन में बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मार्क प्राइस पे जब उसने 1200 का डिस्काउंट दिया तो ये भी सेलिंग प्राइस हो गया, और सीपी पे जब हमारा 20% का प्रॉफिट हो गया तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। फिर क्या दे रखा है सवाल में, इफ इट इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट, यदि वह 25% के डिस्काउंट में बेचा जाता, यानी 25% का डिस्काउंट मतलब क्या 75/100, तो क्या हो रहा होता है उसको ₹500 का प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि उससे क्या हो रहा है कि सीपी पे ₹500 का प्रॉफिट, यानी सीपी प्लस में प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट एसपी। तो सवाल में पूछा क्या है, व्हाट विल बी द डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट क्या होगा इफ इट इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, ठीक है, कि जब उसको 25% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे 25% के प्रॉफिट पे जब उसको बेचेंगे तो हमारा डिस्काउंट क्या होगा, हमें ये पता करना है। हमें क्या निकालना है कि डिस्काउंट क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है। देखो इस सवाल में ना दूसरा कोई जुगाड़ नहीं है, सिर्फ यही एक जुगाड़ है कि दोनों इक्वेशन को तुमको लिटरली सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 20 से काट दो इसे 6 बार में, 20 से काट दो इसे 5 बार में, 5 को इधर ले जाके सारा जगह मल्टीप्लाई करो ताकि हम लोग सीपी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकें। तो यहाँ से तुम देखो एमपी यहाँ से 3 और यहाँ से 4, 3MP by में तुम 4 रहने दो इसे यहाँ पे, और CP के वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा 5 में MP माइनस 1200 बटे में कितना 6, ठीक है। और यहाँ से हमारा CP का निकल गया 500, तो पहले से है ही हमारा। तो यहाँ से क्या हो गया 3MP by में 4 बराबर में 5MP by में 6, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 गुने में 1200 बटे में क्या 6 और प्लस में क्या 500, ठीक है। तो 6 से जब तुम इसे काट दोगे तो 2 बार में 200 बार में, यानी 5 दुना 1000, 1000 में 500 चला गया, यानी क्या माइनस में 500, ठीक है। माइनस में 500 को तुम इधर ले आओ, ये प्लस में 500 हो जाएगा इज इक्वल टू 5MP बटे में 6 बराबर में 3 माइनस में 3MP बटे में क्या 4, ठीक है। फर्दर जब इसे तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे तो एलसीएम तुम्हारा यहाँ से 12 6 से 2 बार में, यानी 5 गुना 10 का एमपी, 4 से 3 बार में 3 किया 9 का एमपी, यानी कि तुम्हारा जो सवाल में सॉल्व होकर तुम्हारा निकल क्या है 10MP में 9MP चला जाएगा, यानी एमपी 12 इधर ले जाके जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 को जब तुम 12 से गुना करोगे यहाँ पे तो 12 गुने 5 क्या देगा 60, यानी कि एमपी जो निकल के आ गया वो तुम्हारा क्या निकल के आ गया 6000 निकल के आ गया, एमपी निकल के आ गया तुम्हारा 6000। अब तुम्हें क्या निकालना है डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट अभी तब निकलेगा जब तुम्हारा एसपी मालूम होगा। एमपी निकल गया, अब यहाँ पे तुम वैल्यू पुट करके पहले सीपी निकाल लो, ठीक है। तो सीपी जब तुम निकालो कहीं पे भी एमपी का वैल्यू पुट कर दो, यहीं पे चलो पुट कर देंगे, तो 600 में 1200 चला जाएगा हमारा, तो 600 में 1200 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4800। 6 से जब तुम इसे काट दोगे तो 6 से ये कटेगा 8 बार में 800, यानी कि 5 जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीपी कितना निकल के आएगा 4000, सीपी निकल के आएगा तुम्हारा 4000। सीपी भी जब तुम्हारा निकल गया तो तुम एसपी भी निकाल सकते हो, एसपी यहाँ पे इजीली तुमको दिख रहा होगा कि सीपी प्लस में 500 करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी तुम्हारा यहाँ से सीपी करेंगे तो पुराना वाला एसपी निकल गया हमारा। अब क्या बोल रहा है, What will be the discount on the product? Product पे discount क्या होगा? If it is sold at 25% profit, तो जब इस पे तुम 25% का profit लगाओगे, तो 25% का fraction क्या होता है? 1/4। साफ-साफ दिख गया तुमको कि यहाँ से तुमको जो profit होगा 1/4 करोगे, तो profit यहाँ से अगर तुम निकालोगे, तो profit कितना निकल के आएगा तुम्हें 1000, ठीक है, 1000 rupees निकल के आएगा। Profit 1000 निकल गया तो SP यहाँ से तुम्हारा क्लियर हो गया, SP कितना हो जाएगा तुम्हारा 5000, ठीक है। एसपी निकल गया तुम्हारा 5000, एमपी तुम्हारा 6000 है, 6000 से 5000 के आने के क्रम में तुमने डिस्काउंट जो दिया
वो कितने का डिस्काउंट दिया, 1000 रुपए का डिस्काउंट दिया, और यही तुम्हारा आंसर है 1000 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी 1000। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल तुम लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है, देखो नेक्स्ट में क्या है, सुरेश हैज टू बुक्स। में सवाल पहले पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद फिर समझना है इस सवाल को बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है। ठीक है, क्या बोला, सुरेश हैज टू बुक्स ए एंड बी, ठीक है, हुज कॉस्ट प्राइस इज बी एंड 120 रेस्पेक्टिवली। सुरेश के पास दो बुक है, कौन कौन सा नेमिंग है, नेमिंग किए हुए है ए और बी, जिसका कॉस्ट प्राइस जो है वो बी है और कितना है 120 है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, ही मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ बुक बी बाय 40%। इस पे जो इंक्रीज किया प्राइस का, ठीक है, प्राइस का जो इंक्रीज किया वो कितने का मार्कअप किया है, प्लस में 40% का वो क्या किया है, मार्कअप किया है। और मार्कअप करने के बाद क्या कर रहा है, पी माइनस 55% का वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, यानी ये मार्कअप हो गया, ठीक है, और ये परसेंटेज डिस्काउंट। अब क्या दिया हुआ है, एंड सोल्ड द बुक ए एट 15% प्रॉफिट। बुक ए को जो है वो 15% के प्रॉफिट पे बेच दे रहा है। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ बुक ए का क्या है, 15% है, ये पी फोर प्रॉफिट है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आगे बोल रहा है सवाल में, इफ द प्रॉफिट अमाउंट अर्न फ्रॉम बुक ए, बुक ए से जो प्रॉफिट अमाउंट अर्न किया गया बुक ए से, इज डबल द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बुक बी। बुक बी का वो क्या है, डबल है, मतलब ए का जो प्रॉफिट है वो बी के प्रॉफिट का कितना है, डबल है। हमको निकालने के लिए क्या बोला, वैल्यू ऑफ पी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अगर इसे तुम नॉर्मल इक्वेशन लेके जाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला तुमको सॉल्व करने के लिए। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल क्या है कि जैसे अगर मान लो कि अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस सीबी है तुम्हारा दिए हुआ है 100। ठीक है, मैंने बोला 50% तुमने क्या किया, मार्कअप कर दिया। ठीक है, तो 50% जब तुम मार्कअप करोगे तो मार्क प्राइस कितना निकल के आ जाएगा तुम्हारा, 150। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, यहाँ के बाद तुमने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% का जब तुमने डिस्काउंट दिया तो 15 का 20% तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी कि 30 रुपए का, यानी कि 120 तुम्हारा आ गया। 120 रुपए तुम्हें क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि सवाल में कि प्रॉफिट कितने का हुआ, तो तुम प्रॉफिट क्या बोलोगे, 100 से 120 हुआ, यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ से साफ साफ तुम्हें दिख रहा है ये 20% का। अब एक तो तरीका ये है तुम्हारा निकालने का, दूसरा क्या है, तुम्हें मालूम है कि जब 2% लगातार गुना में होते हैं तो तुम्हारा वहां पे क्या लगता है, सक्सेसिव लगता है, जिसकी चर्चा मैंने परसेंटेज की एक मैं वीडियो बनाया था उसमें मेंशनड है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच्ड है, जाके वहां से आप देख सकते हो परसेंटेज में कि सक्सेसिव क्या होता है और सक्सेसिव पे कैसे काम करा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या है कि 2% यहाँ पे लिटरली क्या है, आपस में गुना है, 100 का 50% बढ़ा के हमारा, फिर क्या हो रहा है, 20% का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, 2% है, तो हम यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो 50% इंक्रीज माइनस में 20 और माइनस में 50 गुने में 20 बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ 50 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 10 बार में, 50 में 20 चला जाएगा, 30, 30 में 10 जाएगा, यानी कि कितना परसेंट निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। मतलब मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का जब हम सक्सेसिव लगाते हैं तो 20% निकल के क्या आता है, हमारा परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आता है। 20% का क्या निकल के आता है, परसेंटेज प्रॉफिट। और यही टेक्निक को हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसी सवाल में देखो क्या है हम लोगों का, कि 40% का मार्कअप किया है, पी माइनस 55% का क्या किया है, डिस्काउंट किया है। ठीक है, तो 40% का जब मार्कअप किया है तो हम लोग यहाँ से सक्सेसिव लगा सकते हैं। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज जब सक्सेसिव में लगता है तो हम लोग क्या निकल के आता है, परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आता है। तो प्लस में 40, माइनस में पी माइनस कितना 55, और माइनस में 40 गुने में पी माइनस में कितना 55, और बटे में क्या हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 100%। तो 20 से 2 बार में, 20 से ये क्या हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा हमारा। तो थोड़ा सा इसी को सॉल्व करने में मेहनत है, एल्स तुम इसे क्वार्मेस का इक्वेशन भी लिख के तुम्हें दूंगा, तुम उसे बाद में सॉल्व करके देखना कि तुम्हारे लिए कौन आसान है, पहले आसान वाला सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम इसे सॉल्व करोगे, 40 माइनस में पी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 55, ठीक है, माइनस में 2 इंटू पी करोगे तो क्या देगा, 2 पी बाई में 5,
2 इंटू 55 करोगे तो माइनस माइनस ये तो सबसे पहले प्लस होगा 2 इंटू 55 अपॉन में क्या 5, तो यहीं पे काट दो थोड़ा सा 5, 8 से 5 जब कटेगा तो 11, 11 टू जा कितना 20, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, सबको जोड़ डाल दो यहां पे, ठीक है। 5 टू 7, 5 4 9 टू कितना 11, 117। 2p में 2p by 5 में p जब जोड़ दोगे तो ये तुम्हें देगा कितना 7p by में 5, और यही तुम्हारा परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। या तो तुम ऐसे रहे तो या फिर इसे चेंज भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब तुम हम लोग जो है मैं अपना इक्वेशन निकाल लेते हैं कि हमारा मेन इक्वेशन क्या है। हमसे क्या बोला सवाल में कि ए को जो बेच रहा है वो 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है, तो उसको नेट जो प्रॉफिट ही हुआ होगा, प्रॉफिट ऑफ ए, तो उसको हम बोल सकते हैं पी पे उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, 15/100 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसका प्रॉफिट यही होगा ना कि जब अगर तुम्हारे पास अगर 100 है तो 100 पे जब तुम 15-20% का प्रॉफिट बोल रहे हो, तो लिटरली अगर प्रॉफिट की बात करो तो 20/100 यानी कि तुम्हें 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, 15/100 इज इक्वल टू, अब इस पे देखो 120 रुपए पे तुम्हारा 117-7p/5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो गुना करके लिख दो यहाँ पे 117-7p/5 और गुने में परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे में क्या आ जाएगा 100 यहाँ से खत्म हो गया। और सवाल में क्या बोला था कि ए का जो प्रॉफिट है वो बी का प्रॉफिट का डबल है, तो इसको क्या करो 2 times भी कर दो, ठीक है। तो 2 times कर दो, यहाँ से सारा काटने छाटने का कार्यक्रम कर दो। देखो काटने में भी अब थोड़ा सा तुम्हें ध्यान से रखना है क्योंकि सवाल कहीं पे भी तुम्हारा दिक्कत दे सकता है, ठीक है। काटना भी कैसे स्मार्टली है, देखो यहाँ से 15 से काट दो 8 बार में, तो पी बराबर में तुम्हें क्या मिल गया, 8 × 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा 16, यानी कि 16 × 117। इसे गुना मत करो, देखो किसी भी सवाल को लास्ट तक जाने का सबसे मेन फंडा क्या है, आसानी से कि उसको रहने दो, लास्ट में अगर जरूरत पड़े तो गुना करेंगे, नहीं तो इजिली अगर कट जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो आगे जब तुम करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 × 7p और बटे में क्या 5। पी पी को तुम एक तरफ लेके आ जाओ, पी पी को जब तुम एक तरफ लेके आ जाओगे तो क्या होगा, पी प्लस में 16 × 7 होता है तुम्हारा 112p और बटे में क्या हो जाएगा 5, बराबर में क्या निकल के आ गया 16 × 117। अब देखो कितनी आसानी से मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर आ जा रहा हूँ, p जब यहाँ तुम ऐड करोगे तो ये तुम्हें क्या देगा 117p/5 इज इक्वल टू 16 × 117। 117 खत्म हो जाएगा तो p का मान कितना निकल के आ गया, 80 निकल के आ गया, और यही हमारा सवाल का आंसर है। p की वैल्यू कितनी है हमारी, 80 है, और यही हमारा आंसर है। तो ये देखो यहाँ पे तुम्हारा ना कहीं कोई कैलकुलेशन करने का कोई झमेला नहीं, सिर्फ एक जगह यहाँ पे गुना करना है, कहाँ पे 16 × 7 जो कि नॉमिनल सा गुना है, इसे तुम कर लोगे। अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो इस सवाल का मेन इक्वेशन क्या होगा, मैंने बोला था मेन इक्वेशन में मैं लिख दूंगा, मेन इक्वेशन क्या होगा, तो देखो मेन इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मेन इक्वेशन में देखो क्या हम लोग कि अगर तुम यहाँ पे ये इतना नहीं करते हो तो मेन इक्वेशन तुम क्या लिखोगे, पी पे तुम्हें 15%, चलो तुम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए 15%, ठीक है। अब यहाँ से तुम देखो तुम्हारा सीपी कितना है 120, ठीक है। 40% अधिक मार्कअप किए तो 140/100, डिस्काउंट इतने का, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे 100 - p + 55/100, इतना का डिस्काउंट, ये क्या हो गया तुम्हारा एसपी हो गया। अब एसपी में तुम फिर सीपी को घटाओगे तब जाकर तुम्हारा प्रॉफिट निकलेगा, और इसी प्रॉफिट का क्या है 2 times, ठीक है। करके देख लेना कौन ज़्यादा आसान है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, यही एक इक्वेशन है जो तुम्हारा बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी तुमको समझ में आया होगा, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, थर्ड सवाल, ठीक है। थर्ड सवाल में देखो थर्ड सवाल क्या बोल रहा है, ए डिसऑनेस्ट सेलर बाउट 1 kg ड्राई फ्रूट्स एट सम कॉस्ट, ठीक है। डिसऑनेस्ट सेलर बोला 1 kg ड्राई फ्रूट्स करता है कुछ कॉस्ट पे, ठीक है। हम लोग इनिशियल कंडीशन में मान लेते हैं कि 1 kg जिसको हम लोग 1000 ग्राम बोलते हैं, 1000 ग्राम वो खरीदा होगा 1000 रुपए में, मान लो थोड़ी देर के, ठीक है। फिर क्या बोला कि सच दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 2 kg, ठीक है, SP of 2 kg dry fruits is equal to CP of 3 kg, तो यहाँ से तुम्हारा profit percentage निकल जाएगा कि वो किस profit percentage पे उसको बेच रहा है, 3/2, यानी कि 1 का profit percentage profit क्या हो गया 1/2 गुने में कितना 100, that is 50%, ठीक है। कितने percent के profit पे बेच रहा है, 50% के profit पे बेच रहा है। अब देखो यहाँ से सवाल में क्या है तुम्हारा, He claims that he is selling 1 kg dry fruits. वो क्या बोलता है, क्लेम करता है कि वो 1 kg dry fruits बेच रहा है
बट ही यूज फॉल्स वेट ऑफ 200 ग्राम, लेकिन वो फॉल्स वेट यूज करता है कितने ग्राम का, 200 ग्राम का। मतलब क्या है, 1000 ग्राम के स्थान पे क्या दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, अब यहां से देखो, तुम्हारा 1000 ग्राम का सीपी तुम्हें मालूम है 1000 रुपए, लेकिन वो दे कितना रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 800 ग्राम का तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? अब सेलिंग प्राइस देखो, यहां से तुम निकाल सकते हो, क्या बोला था सवाल में कि 2 किलो का सेलिंग प्राइस जो है वो 3 किलो के सीपी के बराबर है। यहां से तुमने प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकाला था, 50% का प्रॉफिट। तो यहां पे जब तुम 50% पे बेचोगे तो ये तुम्हें क्या निकल के देगा, 1500 रुपए देगा, लेकिन दे भी कितना रहा है, 800 ग्राम। तो तुमसे पूछ क्या रहा है सवाल में, व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट रिसीव्ड बाय हिम। टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होता है ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो हम यहां से देखो, तुम जानते हो कि टोटल प्रॉफिट कब तुलना करते हो, जब क्वांटिटी हमारी इक्वल होती है तब। ठीक है, तो 800 ग्राम की जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो 800 ग्राम का हमारा सीपी क्या हो जाएगा, हमारा 800 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से देखो, सीपी और एसपी निकल गया इक्वल क्वांटिटी का, तो यहां से हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा 700 हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट जब 700 हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, 700 अपॉन में हमारा 800 जो कि सीपी है, और गुने में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 0-0 खत्म हो गया, 7/8 गुने में 100। अब देखो, इसको ना तुम ज्यादा मल्टीप्लाई वगैरह करने का कोशिश मत करना। ठीक है, देखो 7/8 यहां से तुम निकाल सकते हो, 1-1/8 को तुम 7/8 लिख सकते हो। 1 कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा 100%। 1/8 कहने का मतलब क्या है, 12.5%। ठीक है, जब तुम 100 में 12.5% घटा दोगे तो ये तुम्हें निकल के देगा 87.5%, और यही तुम्हारा 1 और 1-8 का जो वैल्यू है वो क्या है, 7/8। यानी 7/8 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 87.5%। कितनी आसानी से निकल गया, 87.5%, और यही हमारा आंसर है इस सवाल का, 87.5%। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल तो समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग बिना देरी किए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल, बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 chairs and 3 tables इज कितना, 3 1 1 this। 5 chairs and 3 tables का जो कॉस्ट है वो है 3 1 1 this। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 bed इज इक्वल टू, एक बेड का जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है, 3 chairs and 2 tables के बराबर है। तो 3 chairs and 2 tables अभी तक मैं कुछ नहीं मिला, हमको ये पता चल गया कि बेड चेयर टेबल है, यानी 3 unknown चीज है, तो 3 equation बनेगा ही हमको। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सवाल में, द कॉस्ट ऑफ 1 chair इज रुपीज 200 लेस देन द 1 table। तो चेयर का जो कॉस्ट है वो क्या है, टेबल से 210 कम है। ठीक है, तो अब देखो, सी और टी का एक इक्वेशन, सी और टी का एक इक्वेशन, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। वैल्यू जब पुट करोगे इसी में तो 5 × सी की वैल्यू ही रख देते हैं, तो टी माइनस में क्या हो जाएगा, 210, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, 3t, और बराबर में क्या है, 3 1 1 chair। ठीक है, तो 5t यहाँ से, 3t यहाँ से क्या हो गया, 8t बराबर में 3 1 1 0। 5 × 210 जब तुम करोगे तो 21 × 5 हमारा क्या हो जाएगा, 1050। ठीक है, 1050 माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। 8t इज इक्वल टू, ऐड कर दो 0516131 क्या, सॉरी 31 क्या है यहाँ पे, 4। ठीक है, अब टी से तुम्हें इसे काटना है। ठीक है, अब आगे देखो हमारा क्या इसका यूज होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, 3 bed किसका किसका कॉस्ट प्राइस बताना है, 3 bed का, 4 chair का और 7 table का। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सवाल में बोला कि हमको 7 table का निकालना है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकल के आया है, 8 table निकल के आया है। ठीक है, तो 8 को जब हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे तो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है, 8 से ये 5 बार में, और फिर यहाँ से तुम्हारा 2 बार में, और यहाँ से 0। ठीक है, 500 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम देखो, 520 जब निकल गया तो ये तुम्हें क्या निकल के देगा, 520 rupees एक टेबल का निकल के। टेबल जब 520 निकला तो तुम यहाँ से चेयर भी निकाल सकते हो, चेयर कितना निकल के आ जाएगा तुम्हारा, 520 माइनस में 210, यानी कि 300 कितना निकल के आ गया चेयर का, 310 निकल के आ गया। चेयर जब निकल गया तो तुम यहाँ से बेड पे आ सकते हो, एक बेड का प्राइस क्या है तुम्हारा, बेड बराबर में क्या हो जाएगा, 3 × 310। ठीक है, प्लस में 2 × 520। ठीक है, जोड़ दो, 3 3 हमारा क्या हो जाएगा, 930 यहाँ से,
और यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 1040, ठीक है, यानी कि तुम्हारा हो गया 1970, ठीक है। जब बेड निकल गया हमारा, एक टेबल का निकल गया, एक चेयर का निकल गया, तो हमें 3b, 4c और 7d के वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कर लो इसको, 3 × b जब करोगे तो 3 × b का मतलब क्या 1970, प्लस में 4 × c करोगे तो 4 × कितना 310, प्लस में 7 × d करोगे तो 7 × क्या 520, ठीक है। इसी के वैल्यू तुम्हें पूछी हुई है, इसी को जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद तुम्हें देगा 10790 रुपी, और ये तुम्हारा आंसर है 1079, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा तीसरा चौथा सवाल हमारा खत्म हो गया, एक्चुअली 14th नंबर सवाल था, ये हमारा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर, 15 नंबर सवाल हम लोग का क्या, ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोग का, ये देखो 15 क्या बोल रहा है, ए बाइक डीलर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द ईयर 2005 ऑन अ पर्टिकुलर मॉडल, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर मॉडल पे जो है एक बाइक डीलर जो है 20% का प्रॉफिट कमाता है, यानी कि अगर उसका इनिशियल दाम हम लोग 100 मान लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस उसका क्या था 120 था, ठीक है। फिर क्या बोला, ये कब का कहानी था तुम्हारा, 2005 का कहानी था, ठीक है। फिर क्या बोला सवाल में, इन 2006 ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मॉडल बाय 20% ड्यू टू हाइक ऑफ 20% इन द कॉस्ट प्राइस। 2006 में क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस को भी जो है ये 20% से इंक्रीज करा दिया, और इसको भी जो है ये 20% से इंक्रीज करा दिया, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं अभी यहाँ पे, एक तो तुम तुरंत तुरंत बढ़ा दो, थोड़ा सा फिर पहले सवाल को आगे पढ़ लो, सवाल कहना क्या चाह रहा है और पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला, हाउ एवर इन 2017, मतलब यहाँ पे कुछ अमाउंट बढ़ के आया होगा, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट बढ़ के आया होगा, ये कब की कहानी होगी, 2006 की, ठीक है। फिर क्या बोला सवाल में, हाउ एवर इन 2007 ही अगेन इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 20%, 2007 में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस को फिर वो 20% से बढ़ा दिया, यानी कि 20% से फिर हम लोग यहाँ बढ़ा देंगे तो कोई एक अमाउंट यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है, 20% से बढ़ा दिया, डिस्पाइट अ फॉल ऑफ 10% इन द कॉस्ट प्राइस ओवर 2006, ठीक है। 2006 के दाम के अनुसार यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस पे 10% का गिरावट हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारी कहानी 2007 की। अब यहाँ से तुम देखो दो रास्ते हैं, क्या बोल रहा तुम्हारा, व्हाट वाज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द मॉडल ऑफ द ईयर 2007, 2007 में नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या था तुम्हें ये बताना है, ठीक है। अब देखो 20% दो बार इंक्रीज का तो तुम डायरेक्ट सक्सेसिव भी लगा सकते हो, 10% का डिक्रीज का तुम डायरेक्ट सक्सेसिव भी लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारा जब आसान नंबर है ना तो ज्यादा वहां मेहनत करने का जरूरत नहीं है, वहां पे ना थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना, कैलकुलेशन ट्रिक जिसको बोलते हैं वो वहाँ पे काम देगा। यहाँ पे देखो 100 का 20% बढ़ा तो 120 हो गया, 10% जब घट गया यानी 12 रुपए कम हो जाएंगे तो 12 कम हो जाएंगे यानी कितना हो गया 108 हो गया, सीपी निकल गया हमारा। अब 20% जब बढ़ाओगे तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या है कि 12 दो बार बढ़ जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा 24 का इंक्रीमेंट, यानी यहाँ से क्या हो गया 144। जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे तुम यहाँ पे 120/100 ही इसे रहने देना, ठीक है। अब तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ज्यादा सहूलियत तुम्हारे लिए क्या होगा कि इन दोनों का तुम पहले रेशियो निकाल दो, ठीक है, 1010 यहाँ से काट दो, 12 से जब तुम इसे काटोगे तो 12 से ये कटेगा 9 बार में, 9 से जब इसे तुम काटोगे तो ये कटेगा तुम्हारा 16 बार में, और यहाँ से ये 10 था 10 को इधर ले आओ, यानी फाइनल रेशियो जो निकल के आया तुम्हारा 10:1 क्या निकल के आया 16, 10 इधर 10 अगर मैं इधर बढ़ा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है सीपी 100 है, एसपी 60 है, 160 है, तो यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ से जो निकल के आया, परसेंटेज प्रॉफिट कितना निकल के आया, 60% निकल के आया, और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे जो है इससे ज्यादा ना मेहनत करने का जरूरत नहीं, ठीक है, इसे तुम आसानी से निकाल लो, कैलकुलेशन का थोड़ा सा उपयोग कर, ठीक है। ये हमारा आंसर है आज के सवाल का, 15 नंबर सवाल का। चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल हम लोग का क्या, तो देखो 16 नंबर सवाल क्या है, 16 में क्या बोल रहा है, ए ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वे, ठीक है। एक ट्रेडर जो है अपने सप्लायर और कस्टमर दोनों को चीट करता है बाय यूजिंग क्या, फॉल्टी वेट का प्रयोग करके, ठीक है। व्हेन ही बायस फ्रॉम द सप्लायर ही टेक्स 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट, जब वो कस्टमर सप्लायर से खरीदता है तो इंडिकेटेड वेट से क्या होता है 20% अधिक खरीद लेता है। व्हेन ही सेल्स टू द कस्टमर, जब वो कस्टमर को देता है तो क्या होता है तुम्हारा 20% लेस देता है इंडिकेटेड वेट से, ठीक है।
क्या बोल रहे हैं सवाल में, इफ ही सेल्स एट कॉस्ट प्राइस व्हाट इज दिस प्रॉफिट परसेंट, जब वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। देखो इस सवाल में मैं एक टिप तुम्हें देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें ये बता देगा कि सप्लायर से वो 20% एक्स्ट्रा खरीदता है और बेचता है 20% का, वो सिर्फ इतना बोलेगा कि 20% का वो घोटाला करता है खरीदने वक्त भी और बेचने वक्त भी। तो ये तुम्हें समझना है कि खरीदने वक्त जब कर देगा तो ज्यादा खरीदेगा, बेचने वक्त खरीदेगा तो घोटाला तो वो क्या करेगा कम तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का जो हमारा सीपी है वो क्या है हमारा 1000 रुपए। ठीक है, तो 1000 ग्राम का सीपी 1000 है, 20% वो क्या कर रहा है अधिक ले रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा 1200 ग्राम का तुम्हारा सीपी जो हो जाएगा वो कितना तुम दे रहे हो उसको, दे तो रहे हो 1000 ही। ठीक है, फिर क्या बोला, तुम कम तौल रहे हो तो 20% कम जब तुम तौलोगे तो तुम कितना तौल रहे हो एक्चुअली में 800 ग्राम। ठीक है, तो तुम दे रहे हो 800 ग्राम, 800 ग्राम का तुम्हारा एसपी क्या निकल के आ जाएगा, 800 ग्राम का एसपी तुम्हारा निकल के आ जाएगा 1000 रुपए। क्यों, क्योंकि तुमने क्या बोला सवाल में क्या दे रखा था कि वो बेच भी रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी को इक्वल, अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल देखा था, तो क्वांटिटी इक्वल करने का मतलब क्या है कि 1200 को तुम 2 से गुना कर दो और 800 को तुम 3 से गुना कर दो, देखो तो क्वांटिटी हमारा इक्वल हो जाएगा, 12 × 2 कितना 2400, 800 × 3 कितना 2400। जब इधर 2 से गुना किया तो ये भी क्या 2 से गुना, इधर भी तुम्हारा क्या 3 से गुना। ठीक है, जब 3 से गुना हो गया तुम्हारा तो तुम ध्यान दो ये तुम्हारा सीपी है और ये तुम्हारा एसपी है। अगर तुम सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे तो सीपी तुम्हारा 2000, एसपी 3000, यानी कि रेशियो क्या निकलेगा 2:3। तो ये चीज यहाँ से समझो तुम कि अगर दोनों में जो कॉमन है कॉमन को तुम यहाँ से हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यानी कि 2 था तो तुम 2 से 3 पे आ रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है तुम्हारा, प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1 यूनिट का हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दोगे तो 1/2 में क्या हो जाएगा 2, गुने में कितना 100, दैट इज नन अदर देन 50%, और यही हमारा आंसर है 50% क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है 17 नंबर, मोहित परचेज अ पेयर ऑफ शूज एंड अ ट्राउजर फ्रॉम द शॉपकीपर। मोहित क्या क्या खरीदता है, शूज खरीदता है और क्या खरीदता है ट्राउजर खरीदता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सवाल में, शॉपकीपर अलाउज 10% एंड 25% डिस्काउंट ऑन शूज एंड ट्राउजर रिस्पेक्टिवली, शूज पे 10% का, ट्राउजर पे क्या 25% का डिस्काउंट देता है, किसको देता है मोहित को देता है परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अनदर पर्सन रोहन ऑल्सो परचेज द सेम टू आइटम फ्रॉम द सेम शॉपकीपर, रोहन भी यही दो सामान उसी शॉपकीपर से खरीदता है, बट दिस टाइम ही अलाउस 25% एंड 10% डिस्काउंट ऑन शूज एंड ट्राउजर रेस्पेक्टिवली। तो रोहन के केस में क्या हो जाता है तुम्हारा कि परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो बदल जाता है, यानी कि ये हो जाता है 25% और ये हो जाता है तुम्हारा क्या 10%। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे देखो, आगे क्या दे रखा है तुम्हारा सवाल में, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय रोहन, टोटल अमाउंट जो है रोहन के द्वारा जो पेड हुआ है इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल अमाउंट पेड बाय मोहित, मोहित जो पे कर रहा है उसे कितना परसेंट कम है ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुछ ना कुछ दोनों का अलग अलग सीपी होगा, मार्क प्राइस होगा। ठीक है, ये जानना होगा क्या दिए हुए, आगे देखो, इफ द मार्क प्राइस ऑफ ट्राउजर इज 80% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ शूज, मार्क प्राइस जो है अगर शूज का 100 है तो इसका 80% यानी क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब यहाँ से तुम तुरंत सेलिंग प्राइस निकाल लो, इसको 100 रुपये में ही मानो। ठीक है, 100 पे 10% का डिस्काउंट दे वो, यानी कि कितना में खरीदोगे 90 रुपये, 10 रुपये कम तुमने हारा। फिर यहाँ पे देखो 25% यानी कि 1/4, 80 का 1/4 तुमने डिस्काउंट में ले लिया, तो 1/4 करने का मतलब क्या हो गया तुम्हारा 20 डिस्काउंट में चला गया, तो 20 डिस्काउंट में चला गया यानी कितना रुपया तुमने दिया 60 रुपीज़, और जोड़ के तुमने टोटल कितना दिया 150 रुपीज़। रोहन के केस में देखो 25% तो 100 में 25% का डिस्काउंट दिया यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया तुम्हारा 75 रुपीज़, 10% का डिस्काउंट दिया यानी कि 10% यानी कि क्या 80 का 10% कितना हो जाएगा 8 रुपया, 8 रुपये का कमी हो गया यानी कि कितना में तुमने उसे बेचा 72 रुपये, ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद तुम्हें कितना मिला 147 रुपीज़। और यही बोला है रोहन का जो पैसा पे किया मोहित से कितना कम है, तो यहाँ से देखो पहले कितने का कमी हुआ 3 का, आउट ऑफ कितना 150 गुने में क्या 100। ठीक है, तो परसेंटेज कमी जो है वो तुम्हारा यहाँ से निकल गया परसेंटेज लेस, कि 3 से काट दोगे 50 बार में, 50 से काट दोगे 2 बार में, यानी कि क्या निकल के आ गया 2% लेस।
2% की कमी, ठीक है। इसी के साथ हमारा 17 नंबर सवाल का जो आंसर है वो 2% है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल की ओर। 18 नंबर सवाल देखो क्या है, ये तो 18 नंबर सवाल हम लोग को क्या बोल रहा है, चलो 18 नंबर सवाल, ठीक है। क्या बोल रहा है, अनमोल बाउंड 25 टेबल्स एंड चेयर फॉर ₹4,4100, यानी टेबल और चेयर मिला के उसने टोटल 25 आइटम खरीदे हैं जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 4100 की, ठीक है। ही सोल्ड 80% ऑफ द टेबल एंड 12 चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना, 800। 80% टेबल को भेज देता है, टेबल की क्वांटिटी नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम लोग टेबल की क्वांटिटी तक पहुंचेंगे, तब स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का हम लोग इक्वेशन बताएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है, ईच टेबल वाज मार्क्ड अप बाय 20% ओवर द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हर एक टेबल को जो है 20% अधिक कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप किया गया, एंड ईच चेयर वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹440, ठीक है। हर एक चेयर को जो है कितने के प्रॉफिट में बेचा गया, ₹40 के प्रॉफिट पे। द रिमेनिंग टेबल एंड 3 चेयर कुड नॉट बी सोल्ड, रिमेनिंग टेबल यानी कि 20% टेबल एंड 3 चेयर जो है बेचा नहीं गया। तो स्टार्टिंग में बोला था कि 12 चेयर हम बेच रहे हैं, 3 चेयर नहीं बेचे, यानी 12 3 टोटल हमारे पास कितने चेयर थे, 15, तो टेबल कितना हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। टेबल और चेयर हमारा निकल गया। अब तुम यहां से एक चीज क्लियर हो गए कि अगर एक टेबल का दाम तुम्हारा T है और एक चेयर का दाम तुम्हारा C है, ये दोनों मिला के ये तुम्हारा कितना लगा था, 4100 लगा था तुम्हारा, ठीक है। फिर क्या बोला तुम्हारा 80%, तो 10 का 80% यानी कि क्या, 8 टेबल और 12 चेयर पे जो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितने का हो रहा है तुम्हारा, 800 का हो रहा है, ठीक है। तो एक चेयर पे प्रॉफिट सवाल में दिए हुआ है कितना तुम्हारा, 40 दिए हुआ है, तो 8T बराबर में क्या हो जाएगा, 800 माइनस में 12 गुने 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 480, जो कि क्या दे देगा हमको, 320 दे देगा, यानी 8 से काट देंगे ये तो कितना दे देगा हमारा, 40, यानी एक टेबल पे भी जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, ₹40 का हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है सवाल में, हर एक टेबल जो है वो मार्कअप किया गया है 20% अधिक पे, तो एक टेबल का दाम हमें मालूम है टी, तो एक टेबल का मार्क प्राइस जो हो जाएगा, मार्क प्राइस ऑफ वन टेबल क्या बोल दे सकते हैं हम लोग, टी का 20% अधिक यानी कि 120 बटे में 100, 20 से 6, 20 से 5 बार में, यानी क्या हो गया 60 बाय में कितना 5, ठीक है। एक टेबल का हमारा एफ निकल गया। अब देखो यहाँ पे सवाल में एक की पॉइंट ध्यान से समझो कि जब तुम मार्क प्राइस कर रहे हो, ठीक है, और मार्क प्राइस के बाद कोई डिस्काउंट की चर्चा नहीं है, तो मार्क प्राइस ही जो है हमारा क्या रोल प्ले करेगा, हमारा मार्क प्राइस ही एसपी का रोल प्ले करेगा। तो एसपी ऑफ वन टेबल हमें मालूम हो गया, कितना मालूम हो गया, एसपी ऑफ वन टेबल 60 बाय में 5, और एससीपी हमें मालूम है एक टेबल का कितना है टी, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो एक टेबल का प्रॉफिट निकल जाएगा जो कि कितना है हमारा, ₹40 है, 5T में चला जाएगा टी, यानी टी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 200 निकल गया। टी जब 200 निकल गया तो तुम यहां से बैठा के सी का मान निकाल सकते हो। देखो तो इस इक्वेशन में जब तुम बैठा होगे 200 गुने 10 करोगे तो 2000 प्लस में 15C बराबर में कितना, 4100, ठीक है। 15C बराबर में कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2100 हो जाएगा। सी बराबर में कितना आ जाएगा, 2100 बटे में क्या 15, 15 से इसे काट दो तो 140 बार में कट जाएगा। सी की वैल्यू जो निकल गई वो कितनी निकल गई, 140, ठीक है, सी की वैल्यू निकल गई। अब तुमसे पूछा था सवाल में व्हाट वाज हिज अनमोल्स ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए तुम्हें सीपी तो सबसे पहले मालूम है, तुम्हें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी तुम कैसे निकालोगे, यहाँ से तुम देखो तो तुमने बेचने वक्त तुमने कितना बेचा था, 8 टेबल और 12 चेयर ही सिर्फ बेचे थे, तो 8 टेबल का तुम्हारा सबसे पहले क्या रेट का था तुमने खरीदा था, 200 का खरीदा था, तो 8 गुने में 200, फिर प्लस में तुम्हारा क्या था, 12 चेयर था, तो 12 गुने में कितना, 140, तो 12 गुने में कर दो 140, ये तो तुम्हारा सीपी हो गया। अब तुम इसमें क्या करोगे, 800 अगर ऐड कर दोगे और, तो ये प्रॉफिट जब ऐड होता है सीपी में तो क्या दे देता है हमारा, एसपी दे देता है। 8 गुने 2 करोगे तो 1600, 12 गुने 14 करोगे तो 1680 और प्लस में कितना, 800, ठीक है। सॉल्व किया इसको, सॉल्व करने के बाद कितना मिल गया, 4080 मिल गया। जब एसपी हमारा 4080 है, सीपी हमारा 4100 है, तो साफ साफ दिख रहा है लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 4100 माइनस में 4080,
यानी कि 20 रुपए का हमारा क्या हो रहा है लॉस। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो क्या है 20 रुपीज, और ये हमारा लॉस 23। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोगों का 19 नंबर। 19 नंबर सवाल क्या बोला है, में देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ कार इज 432750। ठीक है, कार का जो कॉस्ट है 432750। ठीक है, बहुत ही हेवी अमाउंट है, काटने छटने में कष्ट हो सकती है। तो सवाल में पहले देख लो निकालना क्या है, अगर परसेंटेज वगैरह निकालना है तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल में, मैं पूरा सवाल पहले पढ़ लेता हूँ। द कॉस्ट ऑफ एसेसरीज इज 25% ऑफ द कार इटसेल्फ। ठीक है, कॉस्ट जो है एसेसरीज है कार का, वो क्या है कार के का 25% है। या तो सवाल पढ़ लो या तो तुम थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूम कर लो कि अगर कार का प्राइस जो है इसके स्थान पे तुम मान लेते हो 100x होगा, इसके स्थान पे तुमने क्या माना यहाँ पे 100x माना, तो कार का दाम मान लो 100x का। ठीक है, तो कार का एसेसरीज, ठीक है, कार का एसेसरीज क्या हो जाएगा 25%, यानी कि कितना 25x हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है सवाल में, द कॉस्ट ऑफ कार इंक्रीजेस बाय 40%, ये 40% से बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 140x हो जाएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ कार एसेसरीज डिक्रीजेस बाय 60%, तो ये जब डिक्रीज हो रहा है तो 25x का क्या लिख देंगे 40/100, 25 से 4 बार में, 4 से 10 बार में, यानी कि कितना निकल गया 10x निकल गया हमारा। ठीक है, अब ध्यान से देखो सवाल में तुम्हें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, सवाल में तुम्हें बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कार विथ एसेसरीज। कॉस्ट ऑफ कार विथ एसेसरीज पहले कितना था 125x था, और अब कितना हो गया हमारा 140x 10x 150x। ठीक है, इसी में बोल रहा है परसेंटेज चेंज बताने के लिए, और आगे दिए हुए है इफ द कॉस्ट ऑफ कार विथ एसेसरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार एंड कॉस्ट ऑफ एसेसरीज। यानी कि कॉस्ट ऑफ कार विथ एसेसरीज क्या है, कार का दाम और कार के एसेसरीज को मिला के आता है। तो यहाँ पे तुम देखो जो बदलाव आया है वो बदलाव कितने का आया है 25x का बदलाव आया है, तो परसेंटेज चेंज तुम्हें निकालना है। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है तुम्हारा, जितने का बदलाव आया है वो बटे में क्या तुम दोगे ओरिजिनल, और गुने में क्या कर दोगे 100। तो 25x से जब काटोगे तो कितने बार में कटेगा 5 बार में, 5 से काटोगे कितने बार में कटेगा 20 बार में, यानी कि तुम्हारा जो बदलाव हुआ वो कितने परसेंट का बदलाव हुआ 20% का बदलाव हुआ, और यही हमारा आंसर है 19 नंबर का 20%। एंड ठीक है, तो मित्र तो ये सवाल समझ में आया होगा, और हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर, और यही सिर्फ का हमारा क्या है सवाल। ठीक है, तो बिना देरी के अगला सवाल, तो अगले सवाल क्या है हम लोग का देखो, ए शॉपकीपर मार्क हिज बुक अप बाय 60% ऑन इट्स प्रीवियस सेलिंग प्राइस। यानी कि ओल्ड एसपी पे वो क्या कर रहा है, अगर ओल्ड एसपी 100 है तो हमारा मार्क प्राइस क्या निकल के आ जाएगा 60% अधिक, यानी कि 160। ठीक है, फिर आगे देखो क्या दे रखा है सवाल में, एंड सोल्ड इट टू अनदर कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द न्यू मार्क प्राइस। नए मार्क प्राइस पे क्या कर रहा है 40% के डिस्काउंट पे बेच दे रहा है, तो 40% का डिस्काउंट मतलब क्या है 160 का 60%, यानी कि ये हमारा क्या निकल के आ गया न्यू एसपी निकल के आ गया, जो कि क्या है हमारा 16x6 करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या दे देगा हमारा 96। ठीक है, अब आगे देखो क्या दे रखा है, बोल रहा है इफ द प्रॉफिट मेड आफ्टर दिस डिस्काउंट इज 20%, इस डिस्काउंट के बाद जो है उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी पे ही होगा हमारा 20% का प्रॉफिट, तो सीपी पे लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, सीपी पे लिख दिया यहाँ पे हम लोगों ने क्या 20% का प्रॉफिट 120 बटे में क्या 100। ठीक है, 12 से काट देंगे 8 बार में, यानी सीपी क्या निकल के आ गया हमारा 80 निकल के आ गया। ठीक है, सीपी जब 80 निकल गया तो हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर के द्वारा जो परसेंटेज प्रॉफिट बनाया गया उसको पूछ रहा है, व्हेन ही सोल्ड द बुक टू अनदर कस्टमर, जब वो बुक को दूसरे कस्टमर को बेचता है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, 20% का डिस्काउंट जब देता है मार्क प्राइस पे, तो पूछ रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है, तो 160 मार्क प्राइस था, 20% का डिस्काउंट मतलब क्या 80 बटे में 100, सीपी हमारा 80 था, 80 पे कुछ एक्स परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 100+x ना लिख के एक्स ही रहने दो। ठीक है, 80 खत्म, 100 खत्म, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 160 आ गई। अब देखो 160 जो है नेट परसेंटेज को दिखा रहा है, मतलब 80 का कितना परसेंट था,
अगर इनकम या इंक्रीज या परसेंटेज प्रॉफिट पूछे हमें, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो हो जाएगा हमारा, वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, 60%। 100 घटा देंगे, 100 जब घटा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है 60%। तो इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक टेस्ट 9 खत्म होता है हम लोगों का। उम्मीद करते हैं सीरीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर सीरीज समझ में आ रहा है तो वीडियो को जाकर लाइक भी कर देना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ। जितने भी व्हाट्सएप में ग्रुप्स हैं तुम्हारे, उन सारे ग्रुप्स में डाल दो इन वीडियो को, और जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक पहुँचाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू।